हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट 91। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोकल जीके का टेस्ट देखेंगे। आप हमारी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, तो चलिए एक प्रैक्टिस सेट हो जाए जिससे आप पता चलेगी आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है या फिर आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दरभा घाटी किस जिले में स्थित है? क्या बोलता है, दरभा घाटी किस जिले में स्थित है? बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी अपना आंसर एक कॉपी में लिख लीजिएगा और मिलाइएगा कि आपसे कितना सही हो रहा है। ए, किसमें? बस्तर में। कहाँ हुआ दरभा घाटी? बस्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुआकोंडा में कुल कितने आबादी गांव हैं? कुआकोंडा में कुल कितने आबादी गांव हैं? 20, 26, 30 या इनमें से कोई नहीं? आप अपने आंसर एक कॉपी में लिख लीजिएगा और फिर आप मैच करिएगा, या तो फिर आप हमारे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पॉइंट 91, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 26। क्या 26 का राइट आंसर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बचेली में कोविड 19 सेंटर कहाँ बनाया गया था? बचेली में कोविड 19 सेंटर कहाँ बनाया गया था? सामुदायिक भवन, गवर्नमेंट स्कूल, मंगल भवन। तो इसको आपको राइट आंसर बताना है कितना हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर मैं आप बताता हूँ कहाँ बनाया गया था, मंगल भवन में। कहाँ? मंगल भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, 10 से 15 सेकंड का, तो आप अपने आंसर को नोट कर लीजिएगा फिर आप मिला कर लेना। गोंडी नृत्य किस जनजात द्वारा किया जाता है? जो गोंडी नृत्य है किस जनजात द्वारा किया जाता है? गोंड जनजात, बैगा जनजात, सहरिया जनजात। तो किसके द्वारा किया जाता है? गोंड जनजात किसके द्वारा? गोंड जनजात के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटें कितनी है? छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटें कितनी है? 6, 5, 8 या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपको 10 सेकंड इसके लिए दिया जाएगा। कितने सीटें हैं? 5 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अबूझमाड़ी बोलियां कहाँ बोली जाती हैं? अबूझमाड़ी बोलियां कहाँ बोली जाती हैं? बस्तर में, बचेली में, दंतेवाड़ा में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बस्तर में बोली जाती हैं। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पॉइंट 91, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप जो भी प्रैक्टिस किए होंगे तो आप ये टेस्ट दे के अपने आप को चेक कर सकते हैं। बेल्लारी जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है? बेल्लारी जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़, तमिल, मलयालम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही राइट आंसर आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इस राइट आंसर इसका? ए, कन्नड़। क्या हो जाएगा?
कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनएमडीसी को नवरत्न का दर्जा कब मिला था? एनएमडीसी को नवरत्न का दर्जा कब मिला था? 2007, 2008, 2009, इनमें से कोई नहीं। तो कब मिला था एनएमडीसी को नवरत्न का दर्जा? 2008 में कब मिला था? 2008 में मिला था। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनएमडीसी के उत्पादक निदेशक कौन है? एनएमडीसी के प्रोडक्शन डायरेक्शन कौन है, डायरेक्टर कौन है? एनएमडीसी के प्रोडक्शन डायरेक्टर कौन है? दिलीप कुमार मोहंती, संजय जोशी, विजय गायकवाड़ या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, दिलीप कुमार मोहंती। कौन है? दिलीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंडी भाषा में कुटकी को क्या कहते हैं? गोंडी भाषा में कुटकी को क्या कहते हैं? ज्वारा, कोहला, गेहूं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, क्या होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा? बी, कोहला। किसको? कोहला को कहते हैं। लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? अगरिया, बैगा, गोंड या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप अपने आंसर जरूर लिख लीजिएगा और लास्ट में मैच कर लीजिएगा आपके कितने सही हो रहे हैं। तो क्या है इसका? अगरिया। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगरिया। लोहासुर किस जनजात का देवता है? अगरिया जनजात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांतेवाड़ा में सिंचाई का प्रतिशत लगभग कितना है? दांतेवाड़ा में सिंचाई का प्रतिशत लगभग कितना है? 6%, 7%, 4% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्या हो जाएगा आंसर इसका? चलिए बताता हूँ, 4% कितना हो जाएगा? 4%। सिंचाई का परसेंट कितना है? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंतेवाड़ा का प्रथम कैशलेस ग्राम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें प्रथम शब्द का यूज हो गया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दंतेवाड़ा का प्रथम कैशलेस ग्राम कौन सा है? पालनार, बीजापुर, डुंगरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्या हो जाएगा? पालनार। क्या हो जाएगा? पालनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पामेर अभ्यारण्य कहाँ है? पामेर अभ्यारण्य कहाँ है? सुकमा, बीजापुर, कुआकोंडा। पामेर अभ्यारण्य कहाँ है? सुकमा, बीजापुर, कुआकोंडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा राइट आंसर इसका बी, कहाँ है? बीजापुर में। पामेर अभ्यारण्य कहाँ है? बीजापुर में है। और स्टूडेंट आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पॉइंट 91, ठीक है? और ये पहला टेस्ट है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं दूसरा टेस्ट भी आपके लिए लाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन, कृषि, नौकरी पेशा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्या है? कृषि है। जो गोंड जनजाति है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। आप इन क्वेश्चन का आंसर देख के अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी लोकल जीके की तैयारी कितनी हुई है। गोंड भाषा में बड़े भाई को क्या कहते हैं? गोंड भाषा में जो गोंडी भाषा होती है, बड़े भाई क्या कहते हैं? दादाल, नानो, आतो। गोंडी भाषा में
बड़े भाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ए दादाल। क्या कहते हैं? दादाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंतेवाड़ा जिला में किस वर्ग की जनजाति सबसे कम है? दंतेवाड़ा जिला में किस वर्ग की जनजाति सबसे कम है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। तो सबसे कम किसकी है? किसकी है सबसे कम? बी अनुसूचित जात की सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पखाना छुआ ग्राम पंचायत किस विकास खंड के अंतर्गत आता है? पखाना छुआ ग्राम पंचायत किस विकास खंड के अंतर्गत आता है? बचेली, कटे कल्याण, बीजापुर, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके अंतर्गत आता है? आप सभी को पता होगा, अपने लोकल जी के बहुत पढ़ा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी कटे कल्याण। कौन सा है? कटे कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन स्थल बारसूर किस विधानसभा के अंतर्गत आता है? पर्यटन स्थल बारसूर किस विधानसभा के अंतर्गत आता है? टेकनाक, गीदम, सहेली। सॉरी, ये समेली है, समेली। तो पर्यटन स्थल बारसूर किस विधानसभा के अंतर्गत आता है? टकनार, गीदम, समेली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी गीदम। क्या है? गीदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंडी जनजात गांव के मुख्य प्रमुख को क्या कहते हैं? गोंडी जनजात गांव के प्रमुख को क्या कहते हैं? जो गांव का भेड़ होता है उसको क्या कहते हैं? गोटिमा, सुरेन, गुमड़ा। गुमड़ा। तो क्या कहते हैं इसको? जो गांव के प्रमुख होते हैं, गोटिमा, सुनेर, गुमड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गोटिमा कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो टेस्ट के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे, और आप अपने आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है, जिससे पता चले कि लोकल की जीके की तैयारी आपकी कितनी हुई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।